दोस्तों आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं बात करूं सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज़ है फिलहाल यहां पर निकल कर आती है ऑनर की तरफ से। और दोस्तों यहां पर ऑनर अपना एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है और यहां पर इस स्मार्टफोन का नाम है ऑनर 50 लाइट। और ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने जा रहा है 26 अक्टूबर को ग्लोबली। उसके साथ में इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करूं तो इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगी 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। उसके साथ यहां पर आपको TFT डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 4G है ये स्मार्टफोन, 5G नहीं होने वाला है। 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। आपको 4300 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। 66 वाट का चार्जर होगा, NFC का सपोर्ट होगा। तो देखते हैं आखिर ये जो ऑनर का नया स्मार्टफोन है वो किस प्राइस पॉइंट पर आता है और मुझे लगता है कि इंडिया में ये लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है ऑनर के बारे में? क्या आप ऑनर के स्मार्टफोन को परचेज करना प्रेफर करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, तो अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है रियलमी की तरफ से। और दोस्तों आज यहां पर सुबह सुबह रियलमी के कुछ 4 नए स्मार्टफोन ऑनलाइन स्पॉट हो गए हैं। और ये जो स्मार्टफोन है वो EEC सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन स्पॉट हुए, जिससे इनका जो इंडिया लॉन्च है वो टोटली 100% कंफर्म हो जाता है। अब आखिर ये कौन सी सीरीज का स्मार्टफोन है, क्या इनका नाम होने वाला है, ये सब चीजें तो अभी कंफर्म नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन देखते हैं आखिर ये जो स्मार्टफोन है वो कौन सी सीरीज के निकल करके आते हैं। आपका क्या ओपिनियन है रियलमी के इन नए स्मार्टफोन के बारे में? अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल करके आती है रेडमी की तरफ से। और दोस्तों यहां पर रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के लिए 120 वाट का जो चार्जर है वो यहां पर कंफर्म कर दिया गया है। क्योंकि Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में TUV रेनलाइन सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जहां पर TUV पर लिस्ट होने के बाद में पता चला है कि इस स्मार्टफोन में 120 वाट का चार्जर दिया जाएगा। तो Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन 120 वाट के चार्जर के साथ में लॉन्च होने जा रहा है ग्लोबली। देखते हैं आखिर इंडिया में ये लोग किस फीचर्स के साथ में और किस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और फ्लिपकार्ट की और अमेजोन पे जो फ्रॉड है ना वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि इस टाइम पे सेल चल रही है। और ऐसे में दोस्तों मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि फ्लिपकार्ट की तरफ से अब यहाँ पर जो लोग ऑर्डर कर रहे थे कोई और चीज, उनको बॉक्स में साबुन मिल रहा था, कोई और चीजें मिल रही थी, तो फ्लिपकार्ट ने एक स्टेप लिया है इन सब चीजों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। मैं नहीं मानता इस स्टेप से कितनी सारी ये सभी चीजें कंट्रोल होंगी ये तो पता नहीं है। अब फ्लिपकार्ट ने एक नया यहाँ पर ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है जो कि है फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी। यानी डिलीवरी के टाइम पे जो लोग आपको पार्सल देने आएंगे वहीं खोल करके दिखाएंगे कि इसमें क्या है, और अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं होता है तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो खुद से वो लोग देखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं इस चीज से कितना ये जो फ्रॉड है वो रुक पाता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है वीवो की तरफ से। और यहाँ पर वीवो T1 और वीवो T1X, ये वीवो की नई टी सीरीज है। ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। अब इन स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो बाहर निकल के आ चुके हैं। इन स्मार्टफोन में आपको मिलने वाली है IPS LCD डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट के साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 और Dimensity 900 का प्रोसेसर। उसके साथ में इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं और ये स्मार्टफोन 19 अक्टूबर को लॉन्च भी हो जाएंगे। तो देखते हैं आखिर किस प्राइस पॉइंट पर वीवो की ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होते हैं। वैसे वीवो से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्मार्टफोन को कम से कम सही प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करें, क्योंकि इनके जो स्मार्टफोन है वो थोड़े से ओवर प्राइज्ड होते ही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका क्या ओपिनियन है इनके बारे में? अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है वो निकल के आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। और दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि यार माइक्रोमैक्स नया स्मार्टफोन नहीं ला रहा है। अब यहाँ पर ये चीजें कंफर्म हो गई हैं कि माइक्रोमैक्स अपने 2 नए स्मार्टफोन को इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। अब ये कौन सी सीरीज के स्मार्टफोन है, क्या फीचर्स होने वाले हैं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन माइक्रोमैक्स अपने 2 नए स्मार्टफोन को इंडिया में बहुत जल्दी लेकर के आ रहा है। और पॉसिबल है
कि नवंबर के स्टार्ट होते होते ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च भी कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं कौन से ये स्मार्टफोन निकल के आते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो निकल जाते हैं Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन के लॉन्च डेट को लेकर के। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि Redmi Note 11 ये जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो ऑफिशियली टीज होना स्टार्ट हो गई है। कंपनी ने ऑफिशियली ये टीजिंग करना स्टार्ट कर दी है कि हम एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है वो बहुत जल्दी रिवील करने वाले हैं। अब देखते हैं आखिर जो लॉन्च डेट है वो क्या निकल के आती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये स्मार्टफोन 11 नवंबर पहले चाइना में लॉन्च होने जा रहे हैं। देखने होता है कि प्राइस क्या निकल कर आती है। काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि इंडिया में जब ये स्मार्टफोन आएगा तो फ्लिपकार्ट पे आएगा या फिर अमेज़न पे आएगा। तो आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अमेज़न पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च होने वाले हैं जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से। और दोस्तों अगर आप यहां पर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते होंगे और आपको एक्सचेंज करना है तो आपको काफी अच्छी वैल्यू में काफी कम प्राइस पे एक 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि Oppo A53s ये जो स्मार्टफोन है इस पे Oppo ये क्लेम कर रहा है कि अगर आप यहां पर अपने किसी भी पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो इस स्मार्टफोन पे आपको 17,450 रुपए तक का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो हम आपको देने वाले हैं। यानी ये इस स्मार्टफोन की प्राइस है 17,990 रुपए और आपको 17,450 रुपए का डायरेक्टली जो एक्सचेंज पे ऑफ है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यानी ये स्मार्टफोन मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 540 रुपए का। अब अगर आपके पास में कोई पुराना स्मार्टफोन है तो आप जाइए एक्सचेंज करिए, देखिए आपको क्या वैल्यू निकल आपको मिलती है। और वैल्यू जो है वो आपके स्मार्टफोन के कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि आपके स्मार्टफोन की प्राइस कितनी है और आपका स्मार्टफोन कितना पुराना है। चीटिंग 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 करता है तू। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो निकल कर आती है जियो की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट ये स्मार्टफोन जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जियो फोन नेक्स्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं और यहाँ पर अब ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जियो फोन नेक्स्ट की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1400 रुपए में ये स्मार्टफोन मिल रहा है। आप इस लिंक पे जाकर के इस स्मार्टफोन को अभी के अभी प्री बुक कर सकते हैं। कुछ भी मतलब जियो को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चीज़ें हैं वो टोटली फेक हैं। अभी तक कंपनी ने कहीं से भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि जियो फोन नेक्स्ट की प्री बुकिंग होने वाली है और आप यहां से इसे खरीद सकते हैं। आपको ऑफिशियल साइट से ही खरीदना है और अगर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। लेकिन आपको कहीं पर भी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू या फिर कोई भी जो लिंक मिलती है उनके थ्रू जाकर के पैसा पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ना कि रियलमी जो है वो हाथ धो करके रेडमी के पीछे पड़ गया है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। और ये लोग Redmi के स्मार्टफोन का मतलब रीब्रांडिंग तो दूर की बात है। पहले क्या होता था कि स्मार्टफोन कंपनियां हैं जो हैं, मतलब मैं Redmi Realme की बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन के फीचर्स को कॉपी करते थे। लेकिन अब तो नाम भी कॉपी कर लिए और हूबहू सेम टू सेम वही नाम। अब यहां पर Realme नोट सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो कुछ दिन पहले लिस्ट हुए थे, Realme नोट 9, Realme नोट 9 प्रो इस टाइप से, और Realme 9 प्राइम भी था। अब यहां पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि आज सुबह सुबह Realme के कुछ 3 नए स्मार्टफोन ऑनलाइन स्पॉट हो गए हैं और इनका जो लॉन्च है वो भी अप्रूव हो गया है। अब यहां पर पहला जो स्मार्टफोन है वो है Realme 9i। चलो ठीक है, 9i सीरीज तो आती ही है, Realme 8 सीरीज में भी थी। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Realme 9 Pro Max। क्या नाम है, Realme 9 Pro Max स्मार्टफोन भी कंफर्म हो गया है और उसके साथ Realme GT 2 Pro, Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन भी आ रहा है। ये तीनों स्मार्टफोन सुबह सुबह अप्रूव हो गए हैं और इनका जो लॉन्च है वो टोटली कंफर्म हो गया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बात आती है फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो मेरे भाई अभी तक फीचर्स के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे साफ इन्होंने एक्सक्लूसिव करके ये बताया हुआ है कि इनका दावा ये भी है कि ये जो स्मार्टफोन है वो अगले महीने लॉन्च हो सकते हैं। अब Realme ने तो कहा है कि Realme 9 सीरीज 2022 में आ रही है, तो अगले महीने कैसे आ जाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि चाइना में अगले महीने जाए और इंडिया में आए 2022 में, क्योंकि इंडिया में तो जब कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि 2022 में आ रहा है तब तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो रहने दो फिर। अब देखना होता है कि कंपनी आखिर किस प्राइस पॉइंट पर लाती है। और यार Realme वाले, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि Redmi के इतने भी पीछे मत पड़ो कि Redmi वाले जो है ना वो Note 9 Pro इस Pro Max ये सीरीज ही बंद कर दें कि लो तुम ही लॉन्च कर लो, हम नहीं लॉन्च करेंगे।
मुझे तो ऐसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो दोस्तों फाइनली ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। अब आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।